सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार सर, दरअसल आज का जो मेरा सवाल था ये थोड़ा सिद्धाश्रम से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए कि असलियत में सिद्धाश्रम है क्या, क्योंकि आजकल हमें यूट्यूब पे और ऐसे बहुत से वेब पेजेस हैं जो हमें मिल जाते हैं कि सिद्धाश्रम के बारे में, ऐसे बहुत से गुरु हैं जो दावा करते हैं कि सिद्धाश्रम जाते रहते हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को सिद्धाश्रम दिखाया है या खुद गए हैं, तो असलियत में सिद्धाश्रम है क्या, कहाँ स्थित है इसके बारे में, उसमें कौन कौन रहते हैं सिद्धाश्रम में, ऐसे कौन से दिव्य पुरुष जो वहाँ रहते हैं, क्या है इसके बारे में, और सिद्धाश्रम हम कैसे जा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और जैसे कि इतने सारे क्या जो इंसान दावा करते हैं आज के समय में जो जीवित हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, थोड़े समय पहले जिनकी मृत्यु हुई है कि सिद्धाश्रम गए हैं, क्या इतना पॉसिबल है कि इतनी जल्दी कोई इंसान सिद्धाश्रम जा सकता है, तो ये और सिद्धाश्रम असलियत में बनाया किसने, सिद्धाश्रम का हेड है कौन, कौन ऐसे हैं जो सिद्धाश्रम को चलाते हैं, जो 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 उनके हेड हैं। तो दरअसल जो मैंने ऐसा पता किया है वो ये है कि शायद शंग्रीला घाटी जिसके लिए चाइना ने भारत से युद्ध किया था 1962 में, ये पूरी घाटी है जहाँ सिद्धाश्रम आता है, जिसे तिब्बत में संभाला भी कहते हैं। तो थोड़ा जो और मैंने सर्च किया तो पता चला कि ऐसे तीन सिद्धाश्रम हैं शंग्रीला घाटी में, एक है योग सिद्धाश्रम, एक है श्रद्धा सिद्धाश्रम और एक और है। तो ये आपसे पूछना था कि क्या शंग्रीला घाटी में सिर्फ तीन ही सिद्धाश्रम है, जिसमें से जो योग सिद्धाश्रम जिसे संभाला कहते हैं, और भी ऐसे सिद्धाश्रम है शंग्रीला घाटी में, और क्या शंग्रीला घाटी के अलावा और भी कोई ऐसी घाटी है हिमालय मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास जहाँ ऐसे सिद्धाश्रम हो, और उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसी से रिगार्डिंग एक और सवाल था कि जैसे हमें बहुत से सुनने को मिलता है परमहंस ऐसे बहुत से गुरु हैं जो अपने सामने यूज़ करते हैं, परमहंस का मतलब ये है कि वो सिद्धाश्रम जाते रहते हैं, सिद्धाश्रम गए हैं, उन्होंने देखा है इंसानों को, पहुँचाया है अपने शिष्यों को। तो एक तो सबसे पहले ये कि परमहंस शब्द का थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए आपके, परमहंस असलियत में शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है, इंसान बड़ा कंफ्यूज होते हैं इनके बारे में और बहुत सी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, और असलियत में ऐसे कौन से गुरु हैं जो वास्तव में परमहंस हुए, कि नकली तो ऐसे बहुत से गुरु मिल जाते हैं, यदि आप चाहें तो गुरुओं जी के नाम भी ले सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो नहीं ले सकते, पर असली जो गुरु हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि ऐसे कौन से असली गुरु हैं जो परमहंस हुए हैं, और परमहंस का मतलब होता है कि जो शायद सिद्धाश्रम गए हैं या सिद्धाश्रम देखा है जिन्होंने, तो ये चीज़। और जैसी बात है वो तो मैंने आपसे पूछ लिया कि सिद्धाश्रम असलियत में बनाया किसने, उसका संचालक कौन है उसका हेड है, और सिद्धाश्रम कौन से आयाम में है, फोर्थ डायमेंशन में है, किस डायमेंशन में है सिद्धाश्रम में, और कौन जा सकता है, अभी क्या करना पड़ेगा सिद्धाश्रम के दर्शन करने के लिए, साधना करने के लिए, और क्या जो सिद्धाश्रम में जो दिव्य पुरुष रहते हैं, जैसा ऐसा सुना है कि सिद्धाश्रम में राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, महावीर जी हैं, बुद्ध जी हैं, और सप्तऋषि हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड ऋषि भी कहते हैं, और भी विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो पहले समय में थे, और अब तो ना जाने कितने सारे वो ऐसे ऋषि मुनि आ गए हैं, पंडित जो कहते हैं कि वो सिद्धाश्रम है, वो परमहंस हैं, तो वो चीज़। तो क्या परमहंस ही सिद्धाश्रम के हेड गुरुओं में से एक होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक जगह मैंने ये भी सुना था कि एक जो परमहंस हैं वो त्रिदेव से भी बड़े हैं, ऐसे क्योंकि आपको बहुत सारे हमने गुरुओं के बारे में पढ़ा होगा जो अपने आप को परमहंस कहते थे, उनके शिष्यों को परमहंस कहते थे, और लोगों को या तो शिव का और इनकारनेशन या विष्णु का इनकारनेशन या ब्रह्मा का इनकारनेशन या तीनों का ही इनकारनेशन कहते थे, या जो तीनों से बड़े हैं वो भी कभी कभी इंसान कह देते थे कि ये गुरुजी तो त्रिदेव से भी बड़े हैं, त्रिदेव इनके सामने नतमस्तक हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गुरु त्रिदेव से बड़े हों, या जो सिद्धाश्रम में रहते हैं सिद्ध पुरुष, क्या वो त्रिदेव से भी बड़े हैं कि त्रिदेव भी उनकी आराधना करते हैं। शक्ति का तो सबको पता है कि माँ भगवती ही सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है,
और कोई हो भी नहीं सकता, उनकी ही माया है पूरा। पर क्या ऐसा है कि त्रिदेव से भी बड़े सिद्धाश्रम में इंसान युग पुरुष हैं? और त्रिदेव की बात चली है तो त्रिदेव के ऊपर भी एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। ये सारे सवाल एक ही सवाल है, पर लंबा सवाल है मेरा, कि त्रिदेव असलियत में है क्या? कि क्या त्रिदेव देवता हैं, या त्रिदेव प्रमुख ब्रह्म का स्वरूप हैं, या त्रिदेव युग पुरुष थे जैसे राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये युग पुरुष हैं या तो योगी हैं, या फिर देवता हैं, या परम ब्रह्म का स्वरूप है? कि आजकल तो लोग अपने आप को गुरु ये कहते हैं कि अरे हम त्रिदेव के स्वरूप हैं, या त्रिदेव हमारी आराधना करते हैं, या शिव का स्वरूप है, ब्रह्मा का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। या सिद्धाश्रम में तो त्रिदेव और राम कृष्ण रहते हैं, वो उनकी वो भी हमारे नीचे हैं, हमारी आराधना करते हैं, तो ये कौन है? क्या भगवान बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है? त्रिदेव क्या है, वो सवाल तो पूछ लिया मैंने आपसे। और ये चीज़ और क्या है, क्या एक ही ब्रह्मांड में और त्रिदेव के भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे कई ब्रह्मा हो और कई विष्णु हो, कई महादेव हो, एक ही उसमें ब्रह्मांड में, और उनकी क्योंकि उनके गण भी उनकी जैसे ही दिखने में होते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि इन अ वन यूनिवर्स बहुत सारे विष्णु, बहुत सारे शिव, बहुत सारे ब्रह्मा का अवतार हो, मतलब हो जो संचाल कर रहे हैं दूसरे दूसरे लेवल पर? और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सिद्धाश्रम, ये सिद्धाश्रम है ये शंकर घाटी में, ये एंटायर मल्टीवर्स का मीडियम पॉइंट है। तो क्या सिर्फ यही एक सिद्धाश्रम है, या फिर ऐसे हर यूनिवर्स में एक सिद्धाश्रम ऐसा मिल जाएगा, या फिर अल्टीमेट ये सिद्धाश्रम है सभी यूनिवर्स को मिला हुए? और यदि उसमें जो सिद्धाश्रम में जो गण हैं, जो अपने आप को परमहंस कहते हैं और कहते हैं कि हम त्रिदेव से भी ऊपर हैं और सिद्धाश्रम हम चलाते हैं, तो फिर वो परम ब्रह्म हुए क्या? परम ब्रह्म से भी ऊपर हुए, तो फिर असलियत में यदि त्रिदेव से ऊपर हैं तो परम ब्रह्म कौन है? महाभगवती, जिन्हें हम जगदम्बा भी कहते हैं? यही मेरा एक सवाल है। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी आपने सुना इनके शब्दों को, इन्होंने काफी कुछ पूछा है, और मैं ज़्यादा लोगों को नाराज़ ना करते हुए जो है बीच का जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई लोगों को जो है इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि सच्चाई तो जैसी भी हो उसे बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को नाराज़गी लग जाए। तो खैर, मैं बहुत ही सहज भाषा में इस सबको बताऊँगा कि आपने पूछा है कि सिद्धाश्रम क्या है। तो सिद्धाश्रम का जो अर्थ है वो ये है कि एक ऐसे आयाम में रहना जहाँ पर आदमी सिद्ध हो चुका हो। हम मंत्रों के द्वारा अपने चौथे पांचवें आयाम को जो सिद्ध कर लेते हैं, तो हम ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जो दुनिया हमारी दुनिया से और उस दुनिया के बीच में जाने का एक रास्ता या मार्ग हो। तो उस स्थान या दुनिया में जाने के लिए एक मंत्रों द्वारा एक ऐसे आयामी द्वार का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं या दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। ये आप एक ब्लैक होल की तरह से समझ सकते हैं, जो आजकल ब्लैक होल थ्योरी चल रही है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में कैसे जाया जाता है। तो ये एक सिद्धाश्रम ऐसे ही एक मार्ग होता है। अब रही बात कि सिद्ध कितने सिद्ध होते हैं, तो देखिए, जब आपका कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि आप सिद्धों के रहने के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सिद्धों से भी बड़ी कैटेगरी होती है, नाथ, परमहंस और ऐसे बहुत से, मतलब वर्गीकरण बहुत सारे हैं, और अपने अपनी संप्रदाय के हिसाब से लोगों ने अपने अपने नाम उनको दिए हुए हैं चीज़ें, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आप योगिनी की बात करें, तो एक योगिनी एक सिद्ध शक्ति है, लेकिन उनसे बड़ी भैरवी होती है, भैरवी से ऊपर माता जगदम्बा है। तो इस तरह से कई सारे जो है स्टेप हो जाते हैं। तो जब आप सिद्ध हो जाते हैं मंत्र के द्वारा, और तो इनके आपके अंदर इतनी शक्ति स्वयं में आ जाती है, आपकी आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप पहले तो स्वप्न के माध्यम से आप उस जगह पर प्रवेश कर सकते हैं जहाँ पर और भी सिद्ध आत्माएं रहती हैं, और दूसरी कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आप भी वहाँ लोकों में, अलग अलग लोकों में उस मार्ग के द्वारा, उस आश्रम, जिसे आश्रम के एक प्रकार से कहा जाता है,
आश्रम का मतलब होता है ठहर जाना, तो ठहरने के लिए एक ऐसा स्थान ब्रह्मांड में आप अपने लोक से बना लेते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जीते जी जो है सिद्धाश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग स्वयं समझदार हैं, तो इससे मैं इस पर मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है लोगों को नाराजगी लगे इससे। तो ये तो मार्केटिंग का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आप एक बार प्रवेश कर सकते हैं तो आ भी सकते हैं, तो आपको प्रकृति पर आपका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। जब आपका प्रकृति पर नियंत्रण होगा तो फिर आप बारिश करवा सकते हैं, किसी को जो है सोना चांदी वस्तुएं दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रवेश भी कर जाता है वहाँ और सशरीर प्रवेश कर जाता है, मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो कितना शक्तिशाली होगा आप समझ सकते हैं, और वो करके भी दिखा देगा सामने, उस पर फिर प्रकृति के नियम लागू नहीं होंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि व्यक्ति सामने वाला ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अब बात इन्होंने पूछी थी परमहंस के बारे में। तो हंस शब्द जो होता है वो एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव जी कैलाश में टहल रहे थे तो मानसरोवर में एक हंस का जोड़ा उन्होंने देखा था। तो वो एक अवस्था होती है कि हंस अपने साथी के मरने पर खुद भी मर जाता है, इसी प्रकार से एक ऐसी अवस्था मानी जाती है कि जो परम उच्च अवस्था में पहुंचा व्यक्ति माना जाता है कि जो आसक्तियों से ऊपर उठ गया हो और समाधि में पहुंच के वो सीधे अपने इष्ट से साक्षात्कार कर सकता हो और अपनी दीक्षा के माध्यम से गुरु बन करके वो अपने शिष्य को भी उस शक्ति का साक्षात्कार जो है तुरंत ही करा सकता है, तक्षण करवा सकता है, उसके लिए कोई समस्या या समय की कोई मांग नहीं है। और परमहंस के रूप में व्यक्तित्व के आगे जो है फिर कोई बंधन नहीं रह जाता है, वो जीवन मरण के चक्कर से ऊपर उठ चुका होता है और संसारिकता से वो बिल्कुल भी जुड़ा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों में हम बहुत सारे लोग मान सकते हैं, राम कृष्ण जीसस बुद्ध भगवान स्वामी महावीर स्वामी हैं, गुरु साहिबान जितने हैं और रामकृष्ण परमहंस जी तो उनका नाम भी आता है। तो ये जितने भी इतने तरह के लोग हैं, ये लोग जो हैं आप इनको मान सकते हैं कि परमहंस की अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, परमहंस थे, इसीलिए रामकृष्ण जी के आगे परमहंस शब्द का यूज़ होता है। लेकिन अगर क्योंकि एक हंस शब्द की जो ध्वनि होती है, तंत्र में ऐसा माना जाता है कि हंस शब्द की ध्वनि ओंकार ध्वनि की जैसी ही है, जैसे यहाँ ओंकार बोला जाता है वैसे हंस ध्वनि होती है, स्वतः ही चलती रहती है हमारी सांस के रूप में, तो हंस शब्द का उच्चारण होता रहता है, तो वो परमात्मा से मिलाने वाली एक अवस्था है, उसको परमहंस कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं त्रिध्रुवों से ऊपर हो गया हूँ, मैंने परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो देखिए प्रचार वाले तो जो भी कहें, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो सृष्टि का पालन कर सकता है, सृष्टि का संहार कर सकता है, सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है, तो वो परमहंस के पूरी पदवी को धारण करता होगा, अगर वो इस तरह के लोगों की बातों को माने जाए, यानी कि वो कुछ भी पैदा कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी नष्ट कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि इस बाकी बातें क्या हो गई। दूसरी बात है त्रिदेव कौन है, आपने पूछा था, तो त्रिदेव हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है उसमें परमात्मा के तीन स्वरूप माने गए प्रारंभिक अवस्था के रूप में, महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा। तो ये तीनों जो शक्तियाँ हैं एक उत्पत्तिकरण करती है यानी पैदा करती है, सृष्टि को पैदा करती है, एक पालन करती है और एक विनाश करती है। इनका मानवीकरण तो हम लोगों ने अपने अपने धर्मों के हिसाब से, जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो उसने अपना मानवीकरण मनुष्य के रूप में उनको कर लिया, लेकिन वास्तव में ये ऊर्जाएं हैं, वास्तविकता त्रिदेवों की जो है वो एक ऊर्जा है, ऊर्जा ऐसी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वतः ही बीज के माध्यम से पैदा हो रहा है। अगर स्त्री पुरुष का संसर्ग नहीं है, सभी जीवों में संसर्ग नहीं होगा तो उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति का जो बीज की जो ऊर्जा है जो हमें उत्पत्ति के लिए उत्सुक करती है और हम मजबूर होकर तैयार हो जाते हैं, तो वो ब्रह्म शक्ति होती है, इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन बताया जाता है। ब्रह्म शक्ति आपके वीर के रूप में निवास करती है तो उसको पालन करना है। तो इसी प्रकार से पालन की शक्ति के लिए आप में पालन की ऊर्जा जब प्राप्त हो जाती है तो विष्णु शक्ति मानी जाती है। इसी तरह संहार आपके अंदर सच ही डिस्ट्रॉय हो रही है, कोशिकाएँ नष्ट हो रही हैं, कोशिकाओं का लगातार उत्पादन के साथ बिल्कुल नष्ट भी हो जाती हैं और एक अवस्था के बाद हर वस्तु नष्ट हो रही है, तो संहार की भी शक्ति हमारे अंदर स्वयं ही मौजूद है और हम स्वयं ही उसको हमारे को नष्ट करती चली जा रही है। तो ये शक्ति के रूप में है और उनका मानवीकरण हम लोगों ने ही किया है। तो त्रिदेव परमात्मा की शक्ति हैं ऐसा मान सकते हैं और शक्ति के रूप में ही स्थित हैं, इसीलिए
आप उनको पुरुष या स्त्री के रूप में वर्गीकरण, ये आपकी अपनी इच्छा है, कर लीजिए, वरना ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। फिर आपने पूछा कि ब्रह्मांड में कई विष्णु और शिव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और ये बिल्कुल सच बात भी है कि जो भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, मान ली 12 वर्ष से 15 वर्ष से कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप कर रहा है, तो मरने के बाद वो भगवान विष्णु में ही लीन होगा, और फिर भगवान विष्णु उसको अपने स्तर से विष्णु ही बना करके किसी अन्य विष्णु लोक को संभालने या किसी लोक को संभालने की आज्ञा देंगे। इसी तरह भगवान शिव की भक्ति जो कर रहा है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। जो तो ये पंचदेवों को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो अपने स्वरूप का रूप स्वरूप दे सकते हैं, इसीलिए मोक्ष उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर मोक्ष का मतलब भी ऐसा है कि दो तरह का मोक्ष होता है। एक होता है अनंत मोक्ष, जिसमें आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आप एक समुद्र में एक बूंद की तरह जाके मिल जाते हैं और समुद्र बन जाते हैं, आपका स्वयं अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये परमात्मा के स्वरूप में विलीनीकरण करना इसे कहते हैं। दूसरा मोक्ष होता है आपके देवता का के रूप में आपका मिल जाना, आप उस देवता में जाकर के मिल जाते हैं और वो अनंत काल तक, जब तक कि ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है तब तक आप उसके रूप स्वरूप में स्थित रहेंगे, और उसके बाद वो स्वरूप खुर जा करके फिर वैसे ही उसी तालाब में मिल जाएगा, जैसे समुद्र में मिल जाएगा, तो इस तरह से उनका भी मोक्ष होता है। तो ये दोनों तरह का मोक्ष मोक्ष माना जाता है, इसमें आपको वापसी आपकी नहीं होती है, लेकिन इनसे नीचे के जितने लोग हैं उनकी आपकी वापसी होती है, यानी स्वर्ग में अगर आप चले गए हैं तो कुछ समय बाद आपको वापस आना होगा धरती पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ से आपको यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, ये बहुत सारे लोग हैं, आपको वहाँ जाना है अगर आप मृत्यु के बाद, तो वहाँ कुछ निश्चित अवधि के लिए आप वहाँ आनंद का बिताएंगे, आराम से रहेंगे, उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा। अब आपने पूछा है परमात्मा और माँ दुर्गा या परम शक्ति जो है वो क्या है, एक ही है क्या? तो देखिए दोनों में अभिन्नता है। परमात्मा एक ऐसा स्वभाव या रूप स्वरूप है जो निर्गुण है, निराकार है, मतलब उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो पूरी तरह से शून्य ही उसको समझिए, और उसी ने एकोहम बहुश्यामी की स्थिति को पैदा करने के लिए अपने में से ही अपनी शक्ति को प्रकट किया था, यानी स्वयं को जानने का एक माध्यम बनाया था। इस बारे में मैं आपको वीडियो कभी और बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है और एक बार में इसको समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि शक्ति में और शिव में जिस तरह से अंतर नहीं होता, इसी तरह परमात्मा में और परमात्मा की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।